Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing fine. So in today's video, we are going to learn a super trick to find whether a given set of species are paramagnetic or diamagnetic without writing its configuration. So let's start the video. So इस super trick के अंदर हमें दिए हुए species के अंदर total number of electrons count करने होते हैं और उनके भी आप पे हम बताते हैं कि whether a species paramagnetic or diamagnetic. तो total number of electrons अगर किसी species में odd है तो वो paramagnetic और even होने पे डायमैग्नेटिक. तो क्या इतने से हमारा काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है और इसमें एक्सेप्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है. तो चलिए इसमें भी एक एक्सेप्शन देख लेते हैं अपन. तो इसे याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ भी अगर हमें ऑड दिखे तो एक्सेप्शन को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ऑड दिखते ही पैरामैग्नेटिक लगा देना है. लेकिन इवन आने पर हमें सोचना पड़ेगा कि वो अगर 10 या 16 इलेक्ट्रॉन्स वाला होता है स्पीसी तो उसे हम पैरामैग्नेटिक के अंदर डालेंगे. तो अपने ये कुछ 6 प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कौन से स्पीसीज पैरामैग्नेटिक हैं और कौन से डायमैग्नेटिक. तो मैं सारे ही स्पीसीज के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूँ. O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 2 16 प्लस 1 है तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. इसमें कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें कितना? 18 इलेक्ट्रॉन्स. N2 में कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन. N2 2 प्लस में कितना हो जाएगा? 7 2 14 माइनस 2 12 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. और N2 2 प्लस N2 2 माइनस में कितना हो जाएगा? 14 प्लस 2 16 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब मैंने बोला क्या है, ऑड आने पे तो अपने को सोचना ही नहीं है, ऑड आते ही अपने को पैरा लिख देना है, ऑड आते ही अपने को पैरा लिख देना है, और कोई ऑड है नहीं यहाँ पे. इवन आने पे हमें सोचना क्या है, 10 या 16 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, यानी 16 आने पे पैरा, यहाँ भी 16 है तो ये भी पैरा, राइट. और बाकी सब कितने क्या हो जाएंगे अपने? डायमैग्नेटिक. तो हमें बस याद रखना है 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये कौन सा अपना डाय. ओके, एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं B2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, राइट. तो ये क्या हो जाएगा अपना? पैरा. अपने को याद रखना है 10 इलेक्ट्रॉन्स और 16 इलेक्ट्रॉन्स वाले जो स्पीसीज होते हैं वो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी वो क्या होते हैं? पैरा. और बस ये याद रखना है, ऑड आते ही अपने को पैरा लगा देना है, ऑड आते ही पैरा लगा देना है. लेकिन इवन के केस में हमें सोचना है कि वो 10 या 16 तो नहीं है, राइट. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.